हाय गाइस, क्या आप लोगों को जानना है मिडिल ईस्ट में रेडियोग्राफर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ पे कैसे रेडियोग्राफर्स काम करते, क्या वर्क कल्चर है, कैसे अप्लाई करना होता है? अगर ये सारे चीज आपको जानना है तो ये वाला वीडियो पूरा एंड तक देखिए। मैंने इस वाले वीडियो में एक इंडियन रेडियोग्राफर है जो फिलहाल सऊदी अरबिया में जॉब कर रहे हैं 4 साल से, तो उनका मैंने इंटरव्यू किया है। वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे अब इकबाल भाई है। इकबाल भाई हैदराबाद की आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से है और वो अभी हयात नेशनल हॉस्पिटल सऊदी अरबिया में जॉब कर रहे हैं एज ए सीनियर सीनियर रेडियोग्राफर। और उन्होंने अपनी करियर स्टार्ट करी थी हैदराबाद की यशोदा हॉस्पिटल से, काफी साल उन्होंने वहां पे काम किया है। मैंने भी शुरुआत वहीं से करी थी, तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को वहीं से। तो अभी फिलहाल वो सऊदी अरबिया में है। आप आज उनसे पूछेंगे कि सऊदी अरबिया में वर्क कल्चर कैसे होता है, वहां पे रेडियोग्राफर्स की क्या क्या कैसे अप्लाई वगैरह करना होता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और कितना इजी है कितना मुश्किल है, ये सारे चीजें बात करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो इकबाल भाई स्वागत है आज हमारे इस वाले वीडियो में। और कैसे हो आप, पहली बात तो ये बताओ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग आपको नहीं जानते, जैसे मैं आपको पर्सनली बहुत दिनों से जानता हूं, तो आप अपना एक ऐसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए तो फिर लोग आपको मतलब और इजी आसानी से पहचान पाएंगे। हाँ तो मेरा नाम मोहम्मद इकबाल अहमद है और मैं तेलंगाना भैंसा से हूँ और अच्छा मैं एज ए रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट अलहयात नेशनल हयात हॉस्पिटल में वर्क कर रहा हूँ अभी एज ए सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट। अच्छा तो फिर आपने आपने कब स्टार्ट करी थी अपनी रेडियोग्राफी करियर और कितने साल से आप इस फील्ड में हो मतलब? मैं 2011 में स्टार्ट करा था एज ए टेक्नोलॉजिस्ट यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट में, और मैं तकरीबन 6 साल वहाँ पे किया। 2018 11 से 2018 शायद, तो 5 6 7 7 साल 8 साल ऐसे ही हो गए। फिर उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली सऊदी अरब के लिए, क्योंकि मैं बहुत जद्दोजहद कर रहा था आने के लिए, बहुत एक्साइटेड भी था। क्यों तो बहुत बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, वो हुए, उसके बाद जाके एक जॉब मिली। तो उसके बाद 2018 से मैं वहां से लीव लेके सऊदी अरब में आ गया। अभी 2018 से स्टिल अभी काम कर रहा हूँ एक ही हॉस्पिटल में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन अच्छा अच्छा बढ़िया। में तो एज ए सीटी टेक्नोलॉजी। वहां पे काम का मतलब क्या क्या रहता है? जैसे कि आप, जैसे इंडिया में हम सबने काम करी है, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में काम करते, तो आप एक ऐसे छोटा सा कंपैरिजन बताएंगे जो आपको जो जो चीजें अच्छी लगती है वहां पे काम करते हैं, और मतलब एक एक ब्रीफली मतलब कंपैरिजन अगर कर पाए आप। देखो काम तो सेम ही है ना, वहां भी वही करना है यहाँ भी वही करना है। क्यों, अगर आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे यशोदा है, अपोलो है, ऐसे बड़े में करे समझो और अच्छे, क्योंकि वहां पे जो इक्विपमेंट्स है हम लोग को 128/G पे हम लोग करे वाले हैं, और हमारे जो सीनियर्स है वो मोस्ट एक्सपीरियंस सीनियर्स है, तो हम जो उनके हाथ के नीचे काम करे, उसके बाद मैं समझता हूँ मेरा एक्सपीरियंस, आपको कोई मतलब कोई सीखने की दूसरे जगह जाके सीखने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो वही एक हमारे पास प्लस पॉइंट है। तो अभी मैं जहां पे काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही उन लोग को मतलब बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि अब हमारे पास उतना नॉलेजेबल, हम लोग उतना नॉलेज गेन कर चुके हैं कि हम एक सिटी डिपार्टमेंट को जो है सो लीड कर सके, तो मैं समझ रहा हूँ, वो एक अच्छा पॉइंट है। तो मेरा तो ओपिनियन यही रहूंगा, अगर आप कोई भी जब आपकी स्टार्टिंग जहां से शुरू कर रहे हैं तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से, एक अच्छे हॉस्पिटल से, एक अच्छे सीनियर के हाथ के नीचे करे या उनके पास जाके सीखे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम जब जब बिगिनिंग जो सीखते हैं ना, अंटिल वही करते जाते हैं है ना, तो जब बिगिनिंग अच्छी होती है हमारी तो हाँ। जैसे कि बहुत सारे लोग जाते हैं सऊदी में जॉब करने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं, लेकिन ये इसका जी मतलब क्या प्रोसेस रहता है कि लोगों को कैसे अप्लाई करना चाहिए, या कोई एग्जाम देना पड़ता है, कितना पैसा लगता है? आप एक छोटा सा मतलब ब्रीफली आपका जर्नी बता दीजिए तो फिर लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा जो लोग ट्राई कर रहे हैं अभी। हाँ हम मैं पहले से है और आपका, पहले का और आपका दोनों का कंपेरिजन बताता हूँ। पहले जब हम लोग के जब कैसा था बोले तो सऊदी हो गए या चाहे गल्फ में मतलब एज ए सऊदी जो कंट्री है, अरब कंट्रीज जैसे कुवैत, कतर, ओमान वगैरह जो भी है,
जब क्या है टेक्नीशियन की शॉर्टेज थी वहां पे, है ना, तो इन लोग क्या थे, मतलब टेक्नीशियन होना था, हम सब करा लेंगे, जैसे प्रोमेट्रिक एग्जाम होता है और जैसे डाटा फ्लो होता है, हम पहले बंदे को यहाँ भेज दो, वो एजेंट को बोल देंगे कि बंदे को यहाँ भेज दो, हम करवा देंगे, है ना। फिर उसमें आने के बाद वो यहाँ से प्रोसेस शुरू करके करवाते थे, मगर थोड़ा क्या हो गया बीच में, बहुत सारे बंदे प्रोमेट्रिक में फेल हो गए, बहुत सारे बंदे। तो जहां जिसका प्रोमेट्रिक फेल होता है और थोड़े लोग डाटा फ्लो में फेल हो गए। डाटा फ्लो कैसा है, जैसा HSCPC जैसा लंदन के लिए उसके लिए जैसा जरूरी रजिस्ट्रेशन होता है, डाटा फ्लो सेम है। आप जहां पे एक्सपीरियंस करे, कौन से हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस लगा रहे और आपके जो भी सर्टिफिकेट है वो जेन्यून है या नहीं है, बस वो क्रॉस चेक करते जिसके आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो डाटा फ्लो। अगर डाटा फ्लो आपका जो पॉजिटिव आ गया, ओके हो गया, तो आप एलिजिबल होते प्रोमेट्रिक एग्जाम लिखने के, है ना। तो प्रोमेट्रिक एग्जाम लिखने के बाद आपको एक लाइसेंस मिलता सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि ये बंदा ये फील्ड में काम कर सकता है। Okay. तो वो अगर आपके पास लाइसेंस है तो ही आप काम कर सकते हैं। मतलब हर चीज का यहाँ पे लाइसेंस होता है ना, ड्राइवर का होगा या आप किचन में काम कर रहे हैं तो बल्दिया का एक लाइसेंस होना, आप दूसरे जो सर डिपार्टमेंट में काम कर, हर डिपार्टमेंट का एक लाइसेंस, आप रेडी, आप यहाँ तक कि आप इलेक्ट्रिशियन भी है तो उसका भी एक लाइसेंस है, तो समझ वो गया, मैं उसका समझ गया। एग्जाम। तो वैसा ही तो बहुत सारे बंदे यहाँ आने के बाद फेल हो गए। तो फेल हो गए तो जो उनके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी उनको बुलाता है कफिल वगैरह, तो उन लोग बहुत सारे पैसा खर्च करते हैं उसके ऊपर, उसकी वीजा का हो गया, उसका खामे का हो गया, सब हो गया। फिर बंदा आने के बाद वहां पे फेल हो गया तो वो डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता, तो उन लोग क्या करना करना, वो बंदे को भेज देना रिटर्न, या नहीं तो दूसरे डिपार्टमेंट में काम करवा लेते हैं। तो उसके बाद इन लोग क्या करे, जब हम लोग के जब ये चल रहा था बात, उसके बाद क्या करे कि जितने भी बंदे आ रहे वो डाटा फ्लो कंप्लीट इंडिया से करके आना और प्रोमेट्रिक एग्जाम इंडिया से ही कंप्लीट करके आना। तो अभी जितने भी मैं जितने भी सीनियर को जानता हूँ, सॉरी जूनियर को जानता हूँ, जो बोल रहे हैं मेरे को कि वहां पे जॉब देखो जॉब देखो जॉब देखो, तो मैं उनके लिए बोलना चाह रहा हूँ, आप पहले डाटा फ्लो कंप्लीट कर लो वहां से और प्रोमेट्रिक कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप रेडी हो जाते। तो जैसा ही आपको कोई भी एजेंट आया तो आप बोल सकते कि आई एम रेडी गो फॉर। सो ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितने भी पेपर वर्क है सऊदी के जो भी रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से कंप्लीट कर ले, ये आपके लिए एडवांटेज होगा कि आपके पास एक मतलब दूसरा एक टेंशन नहीं रहता कि अचानक में उतर जाके फेल भी हो गया बाय चांस तो उसके बाद क्या होगा मेरा, ये वाला टेंशन आपके दिमाग से ये वाला नहीं रहता है। हाँ, तो ये और अब जितनी भी कंसल्टेंसी है वो यही पूछ रहे कि डाटा फ्लो कंप्लीट है या नहीं है, प्रोमेट्रिक कंप्लीट है या नहीं है, बस। अच्छा, मैं समझ गया, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा उसमें स्पेंड करता है तो ये लोग चाह रहे कि फालतू पैसा वेस्ट ना करे, बंदा हम सही बंदा बुलाए। तो अभी तो अच्छी बात है, जो बंदा जेन्युइन है, जिसको एग्जाम क्लियर कर लिया है, जो जिसको चीजें आती है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, जिसको नहीं आता है वो फेल करेगा उसके लिए प्रॉब्लम होगा, वो तो इजी मतलब बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। और आप जैसे अभी लगभग चार साल से ऊपर हो चुका है आपको सऊदी अरब में, तो वहां पे जो मतलब रहना खाना, और जैसे मान लो आप कभी आउटिंग पे भी जाते हैं और कभी लोगों से मिलते हैं, तो आपका ऐसे ओवरऑल कैसा रहता है कि बहुत लोगों का बहुत ज्यादा स्टिग्मा होता है कि सऊदी अरबिया एक बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव मुस्लिम कंट्री है, बहुत लोग बहुत चीजें बोलते हैं। मैं पर्सनली कभी गया नहीं हूँ, रहा नहीं हूँ, तो मेरे को पता नहीं है। मैं भी पर्सनली क्यूरियस हूँ जानने के लिए, क्योंकि जो भी मेरा दोस्त आता है मैं सबसे पहले इसको यही पूछता हूँ कि वहाँ का रहना खाना क्या सिस्टम है, कैसे रहते हैं लोग, कितना दोस्त बन पाता है, क्या होता है, क्या आउटिंग है, ये सारी चीजें पूछता हूँ। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। अभी तो सऊदी अरब में मैं तो समझता हूँ एकदम नॉर्मल, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं वैसा ही है, एकदम फ्री फील कंट्री है और कुछ भी नहीं, आपको हर हर तरीके का मतलब लोग मिलेंगे यहाँ पे, हर तरीके का मतलब आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं, मतलब जो भी हो, मतलब हर तरीके मतलब जो नॉर्मल लाइफ में आप जो है खाने का मजा ले सकते हो, आप हैदराबादी बिरयानी होगा, सब चीज हो गया, आप मिठाई वगैरह हर चीज का मजा ले सकते हो, और रहना कल्चर सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। हम भी सोचते थे कि वो अरे एक अर्बन कंट्री है वहां गए तो ऐसा वैसा, नहीं वो कुछ भी नहीं है नॉर्मल। कल्चर को मैंने सुना है कि थोड़ा गर्मी के टाइम पे थोड़ा ज्यादा रहता है, तो मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कि लोगों को कितना प्रॉब्लम होती है, पर टेम्परेचर कितना आप तक जाता है मतलब गर्मी में टेम्परेचर? हाँ 48 जो है सो कभी कभी 49 50 ऐसा चला जाता है, मगर हम लोग को
हम लोग को कभी टेम्परेचर का और कभी धूप का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। क्यों बोले, हम लोग घर में मतलब आ गए एसी, फिर हॉस्पिटल चले गए एसी, यहाँ तक के जो गाड़ी में जा रहे हैं वहां पे भी एसी। हाँ लगता है जो मतलब बाहर वगैरह जो मजदूर लोग जो काम करते हैं ना, उन लोग के लिए मैं समझता हूँ हाँ है मैं भी गर्मी, समझता मगर हूँ। लाइक मतलब हम लोग जो इंडिया की गर्मी बर्दाश्त कर सके तो बस तो हो जाएगा, कोई मसला हाँ, तो नहीं। इतना भी ज्यादा वो नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन आपसे, इतना ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, कि वहां पे जो हॉस्पिटल का सिस्टम है, जैसे इंडिया में कंसल्टेंट होता है, पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर दिखाता है, डॉक्टर एमआरआई लिखता है, सीटी स्कैन लिखता है, वो जाता है रेडियोलॉजी में स्कैन कराता है, फिर फॉलोअप करता है, ये वाला जो सिस्टम है ये एग्जैक्टली सेम है या कैसे काम करता है? और डॉक्टर कहाँ से है? ज्यादातर डॉक्टर वो लोग लोकल लोग पढ़ाई करते हैं मेडिसिन की, डॉक्टरी की? हाँ अभी तो अभी कैसा सिस्टम है बोले तो यहाँ पे बहुत कम मतलब 100 में से 2-3-5% कैश पेशेंट होते हैं ना, और अच्छा जितने सारे होते हैं इंश्योरेंस पेशेंट होते हैं। ऑलराइट तो इंश्योरेंस पेशेंट का क्या होता है, आप जाओ आप रिसेप्शन पे बोलो मुझे ये डॉक्टर, पहले वही कौन फोन करके अपॉइंटमेंट आपको लेना होता है कि मुझे ये डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है। अगर कोई नहीं लिया तो वहां जाओ रिसेप्शन पे जाके मुझे बोलो ये डॉक्टर से बताना है, उन्होंने 3-4 नाम बोले कि ये डॉक्टर इस चीज का स्पेशलिस्ट है, आपको कौन सा होना, ये डॉक्टर होना ठीक है। वो ओपन कर देंगे फाइल, आपको फतोरा दे मतलब आपको जो है सो पर्ची दे देंगे फतोरा, आप जाएंगे वो डॉक्टर के पास, जो भी है आपका प्रॉब्लम वगैरह बोलेंगे, वो सिस्टम में एंटर करेगा, मतलब वो प्रिस्क्रिप्शन वाला सर नहीं, वो सिस्टम में एंटर करेगा, फिर आपको रिसेप्शन जाना पड़ेगा, फिर आपको उसकी पर्ची बनानी पड़ेगी जो वो लिख रहा है। तो क्या होता है वो जो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो जो रिक्वायरमेंट होती है जैसे एमआरआई होगा सीटी का, वो अप्रूवल को भेजेगा इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट वहां से कोड होता है, वो कोड लेके उन लोग डालेंगे कि ये बंदे को ये रिक्वायरमेंट है, आप इसकी हमारे को इजाजत दो हम करने की, तो वहां से वो इसको इश्यू करेगा इसका पैसा, फिर वो लेके पर्ची बना के हमारे डिपार्टमेंट आएगा, जैसे एमआरआई है सीटी है एक्सरे, हम लोग उसको स्कैन वगैरह करके बोल देंगे कि आप डॉक्टर के पास चले जाओ, 100 मिनट के बाद 100 घंटे के बाद आपको रिपोर्ट आ जाएगी, आप डॉक्टर के पास चले जाओ, उसके सिस्टम में शो होगी रिपोर्ट होगी, जो भी फिल्म होगी वहां शो होगी, आप चले जाओ, वो देख के उसको टैबलेट वगैरह जो भी है वो लिख के दे देगा बस, वो फार्मेसिस्ट से। और यहाँ पर भी और क्या होता है मतलब हर चीज का रेफरेंस होता है, मतलब आप जो जहां पर भी काम कर रहे हैं रेफरेंस चाहिए, मतलब है ना आप कुछ चीज में भी कुछ भी काम करे वो रेफरेंस बताना जरूरी यहाँ है। पे भी सेम है, रेफरेंस और का तो बहुत यहाँ का ये काम, यहाँ का काम कैसा है बोले तो इंडिया के मुकाबले में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो है, इंडिया में भी है हम लोग के पास के जैसे हम अब जैसे सीटी कंट्रास्ट हो गया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं हमारे पास सीटी सीरम क्रिएटिनिन चेक करते हैं और जो सो फास्टिंग वगैरह चेक करते हैं बस उतना ही ना। अगर यहाँ पे क्या है थोड़ा सा केयर करते पेशेंट की, मतलब उसको एलर्जी है नहीं है वो चेक करना पड़ेगा, फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसके बारे में कि हम मैं लोग समझ तुम्हारे को ये गया। टेस्ट कर रहे हैं इसका इसका प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे एक भी चीज आप आपको ऐसा ही पेशेंट को नहीं दे दे सकते ये सेम है, यहाँ बाद पे में भी उसको सेम ही प्रॉब्लम। है, यहाँ पे भी सेम है, हमारे इंडिया में भी सेम ही है। बहुत लोग फॉलो नहीं करते, हम तो इंडिया में भी फॉलो करते थे, जैसे आपको पता ही है हम लोग फॉलो करते, जो लोग अच्छे लोग हैं, जो लोग ने पढ़ाई करी हुई सही से, वो लोग जितना रूल्स रेगुलेशन है फॉलो करते हैं। मेरे हिसाब से करना भी चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप किसी को सही भी है कुछ भी इंजेक्शन दे दो, कुछ भी वो कर लो। मेडिकल नेग्लिजेंस भी बहुत बड़ी चीज है, भाई, बहुत सारे मुझे मेडिकल। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं बहुत सारे, और उसमें ऐसी ऐसी बातें आती है भाई, मतलब मैं आपको जो है सो अगर आप मुझे जॉब दिला दिए तो मुझे मैं आपका ये धन्यवाद करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कंसल्टेंसी वाला नहीं हूँ, मैं रिक्वायरमेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, और सेम जहां पे सेम वैकेंसी में उसके बारे में बोल सकता हूँ कि यहाँ पे वैकेंसी है आप ऐसा ऐसा करो, तब वो भी मेरे नॉलेज में आए, है ना। अगर आप भी आप जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हम लोग को इतना फुर्सत नहीं है कि हम जाओ छू के मतलब यहाँ के उसको कंसल्टेंसी को फोन करो, वो हम लोग सिर्फ हमारे काम में ही बहुत बिजी है, फिर बाद में जब हाँ ये इन लोग ऐसा मैसेज करते ना थोड़ा थोड़ा माइंड को अच्छा नहीं लगता सच में। आपके नहीं है, सबके साथ है, क्योंकि हमारे जो इंडिया में जो लोग है या जो लोग नए हैं, जो लोग आ रहे हैं, किसी भी, हेल्पलेस हूं मैं, हेल्पलेस हूं मैं, समझ सकता हूँ आपकी बात, मैं 100% समझ रहा हूँ। चलो भाई, मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा, और अच्छा रहो, दुआ करना हमारे लिए, और मिलेंगे कभी जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे, और लंदन आओ कभी घूमने के लिए, पूरा घुमाएंगे आपको, लंदन, यूरोप, जहां जहां आप आना चाहते हो। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप भी आओ, आप आओ पहले आएंगे सऊदी अरब आएंगे आएंगे, भी जरूर आएंगे।